टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या शॉर्ट फॉर्म है IOR। IOR ये नॉर्मली ऑप्शनल है, मतलब आप ये यूज़ करें ना करें आपकी इच्छा है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देगा। और अगर एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आ जाता है IOR पे, फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जब पूछ ही लेगा IOR निकालो, फिर करोगे कैसे जब तक टॉपिक नहीं कर रखा हो। तो IOR ढूंढने का टॉपिक आज तक तो नहीं आया, लेकिन आप किसी भी एडवांस की स्पेशल बुक उठाओगे उसमें पक्का आपको मिल जाएगा। ये उस लेवल पे चलता है। नॉर्मली मेंस नीट पे मैंने देखा नहीं, पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आ भी जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। IOR का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अगर किसी भी बॉडी को प्योर रोलिंग में एज्यूम करें, मान लो आपकी बॉडी प्योर रोलिंग में है, तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है √2v है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है √2v, और इसकी कितनी थी 0। IOR का कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखो नॉर्मल आप रोलिंग को कैसे देखते हैं, सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। आप ये मानते हैं सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहे हैं और बाकी पार्टिकल इसके आसपास रोटेट कर रहे हैं। तो आपने यही सीखा और यही लगाया हर क्वेश्चन में कि रोलिंग का क्वेश्चन है जी, तोड़ लो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। लेकिन IOR का, अगर जो लोग IOR का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो ये मानते हैं कि ट्रांसलेशन तो है ही नहीं, बॉडी क्या कर रही है प्योर रोटेशन में। तो उनसे पूछा वो कैसे हो सकता है, वो कहते हैं क्योंकि मैं एक्सिस यहां लेता ही नहीं। तुम एक्सिस अगर यहां लेते हो तो तुम्हारे पास ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी है, सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ये नहीं लेते और ये मानते हैं कि बॉडी के सारे पार्टिकल सिर्फ गोल घूम रहे हैं, ट्रांसलेट कोई ना कर रहा, तो वो अपना एक्सिस ये लेते हैं, पी पॉइंट लेते हैं। मैंने कहा पी पॉइंट कैसे, वो कहते देखो पी पॉइंट एक्सिस मान लो, पी पॉइंट इंस्टेंट पे रेस्ट पे है, कहते ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और अगर मैंने ये वर्ड यूज कर दिया IOR और एक्सिस मैंने पी पॉइंट में से पास कर दिया, अब ये मेरी अजम्पशन है हर कोई पार्टिकल इस पूरी बॉडी का इसको एक्सिस मानता हुआ किस में घूम रहा है, ना सर्कल। कैसे, किसने पूछा सर ये कैसे घूम रहा है, मैंने कहा देख ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा इमेजिन कर, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे √2v है, ठीक है। फिर ये पार्टिकल, मैंने कहा देख ये पार्टिकल भी ऐसे घूम रहा है, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है √2v है। फिर उसने कहा सेंटर ऑफ मास कैसे घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास भी सर्कल के आसपास ऐसे ही घूमेगा और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है v है। और किसने पूछा सर टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट भी घूमेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट जो घूम रहा है वो कितने, वो तो ऐसे ही घूम ही रहा है, ऐसे घूम रहा है √2v। तो किसने पूछा कि ये मतलब सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, बिल्कुल सर्कल में घूम रहे हैं, इसका सर्कल ऐसा बनेगा √2v वाले का, इसका सर्कल ऐसे बनेगा √2v वाले का, इसका सर्कल ऐसे बनेगा √2v वाले का, सेंटर ऑफ मास का ऐसा बनेगा आर रेडियस एंड सो ऑन। तो कंडीशन ये है इस पी पॉइंट के अबाउट सारे पार्टिकल्स का ओमेगा क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि ये प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन में ओमेगा सेम है। आपको कि ये क्या तरीका हुआ, मतलब क्या इससे जो हमने किया ट्रांसलेशन एंड रोटेशन उससे आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं अगर मैं ये बोलूं कि एक स्फीयर रोल कर रहा है और एक स्फीयर रोल कर रहा है, तुम इन चार पार्टिकल की एनर्जीज निकाल दो, तो तुम पता है क्या क्या करोगे, हाफ mv स्क्वायर इंटू वन, या पूरी बॉडी की एनर्जी निकाल दो, चलो हाफ mv स्क्वायर इंटू वन प्लस k स्क्वायर पे r स्क्वायर, या फिर हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। मैंने तुम्हें यही सिखाया कि ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, लेकिन जो IOR यूज करते हैं वो कहते हैं हाफ mv स्क्वायर तो है ही नहीं, है कहाँ, सारे की सारी बॉडीज कैसे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं इसके आसपास प्योर रोटेशन में है, और सिर्फ फॉर्मूला क्या लगेगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब ये ऑप्शनल है, अगर कोई स्टूडेंट IOR लेता है तो हाफ mv स्क्वायर की बात ही ना करे, और अगर वो नॉर्मल तरीका यूज कर रहा है तो फिर हाफ mv स्क्वायर हाफ i ओमेगा स्क्वायर करे। अब क्योंकि हमने तो पूरा रोटेशन कर ही लिया, इट्स टू लेट, या तो मैं इस एक्सिस को मान के पूरा रोटेशन सॉल्व करता, अब तो मैंने हाफ mv स्क्वायर और हाफ i ओमेगा स्क्वायर ही कर दिया, और सारी बुक्स भी ऐसे करती हैं और पूछने वाला भी ऐसे ही करता है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं। लेकिन आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ IOR का कॉन्सेप्ट कैसे है। मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो क्या आ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मल रोलिंग का क्वेश्चन तो आप IOR से सॉल्व करने वाले हो नहीं, और जरूरत भी क्या है,
पूरा तो रोटेशनल हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से हो ही गया, छोड़ दो उसे, उसी को रखो, आप अपना एक्सिस सेंटर ही मानो। लेकिन आपका अगर क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आ गया कि चलो मेरे को तो क्वेश्चन करके दिखाओ आई ओ आर पे, तो ऐसा आएगा, वो कहेगा एक रॉड है, एक रॉड के तरफ एक एंड पे मैंने वेलोसिटी दी वी वन और एक एंड के यहां पे मैंने वेलोसिटी दी वी टू, लेंथ थी एल, तो बताओ इसका आई ओ आर कहां पे होगा। अब देखो ये, अब अगर आई ओ आर करके ही नहीं जाओगे तो करोगे कैसे, आप बस मुझे ये बताओ, और ये फ्री टू मूव रॉड है, आप मुझे बताओ कि ये सेंटर पे एक्सिस अगर ले भी लूं तो फर्क क्या पड़ता है, क्या ये आई ओ आर होगा इसका सेंटर पे, क्या जो भी एक्सिस इसमें पास करेगा क्या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, क्यों नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता लगा नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ता है, मूव वह तो बॉडी रोल भी कर सकती है, नहीं ये तो रोल कर रहे हैं तब भी आयो वार तो आएगा, एक चीज बताओ बिल्कुल जो सटीक यही है बस, इससे पता लग जाता है एक सेकंड में ही आंसर है, एक और मैंने लिख के दिया था अभी, नहीं वो तो अलग है, एक ही चीज है, अगर सभी पार्टिकल का ओमेगा सेम आ रहा है किसी पॉइंट पे तो आयो आ रहा है, बात ही खत्म, क्योंकि प्योर रोटेशन है, और अगर नहीं आ रहा तो आई ओ आर नहीं है, करके दिखाएं, ये देखो अगर तुमने सेंटर ले लिया तो बोलो रोटेशन मोशन रॉड रोटेट कर रही है, इमेजिन करो तो वी क्या होगा एल बाई टू ओमेगा, वी वन क्या होगा एल बाई टू ओमेगा, अब इमेजिन करो कि आपने आई ओ आर यहां पर लिया, मैंने क्या कहा, मैंने आई ओ आर यहां पर लिया, ठीक सेंटर पर, अभी सेंटर पर लगा के दिखाता हूँ दो मिनट रुको, मैंने आई ओ आर कितने डिस्टेंस पे लिया, एक्स पे लिया, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया एल माइनस एक्स, अब वो ये पूछ रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू बताओ, तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने ये लेना है आई ओ आर, आई ओ आर के अबाउट, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है तो तुम्हारा सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है, अगर सेंटर होता तो वी वन वी टू के इक्वल होता, तो यानी कि सेंट्रल पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि वी वन इज इक्वल टू एल बाई टू ओमेगा, वी टू इज इक्वल टू एल बाई टू ओमेगा से बराबर होगा, लेकिन बराबर तो है नहीं, तो तुम्हें यहाँ लेना पड़ा। अब इसके अबाउट, इसकी मान लो ये पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहे, v इज इक्वल टू, इमेजिन करना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, और ऐसे ये पार्टिकल भी इसको एक्सिस मानता हुआ रोटेट कर रहे हैं, तो ओमेगा की वैल्यू इसकी क्या होगी, ओमेगा होगा v1 डिवाइडेड बाय रेडियस x, v इज इक्वल टू x ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v1 बाय x, और इसके लिए क्या होगा v2 डिवाइडेड बाय l माइनस x, तो v2 by l minus x भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, और ओमेगा दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वेट, आप चेक कर लो, इक्वेट करने का मतलब ओमेगा सेम का मतलब ये आई ओ आर है, क्योंकि आई ओ आर का कॉन्सेप्ट ही एक है, ओमेगा शुड बी सेम, बट जहां सेम है वो आई ओ आर है, तो यहां से इक्वेट करके अगर पेपर में आ जाए x निकालना या सेंटर मत बोल देना, हाँ लेकिन अगर ये वेलोसिटी बराबर होती तो फिर सेंटर ही होता, क्योंकि सेंटर के अक्रॉस v ओमेगा की वैल्यू दोनों में क्या आती सेम आती, पर अगर नहीं है फिर सेंटर मत बोलना, फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, लो एक बॉडी मूव कर रही है सच दैट इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद फोर, ये देखो फोर, और इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट रेडियस कितना है पॉइंट टू, और क्वेश्चन में गिवन है कि आर की वैल्यू पॉइंट टू है, वेलोसिटी फोर है, गिवन ओमेगा इज इक्वल टू टेन, आई ओ आर ढूंढो, अब देखो ना क्या, अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, दो ही वेलोसिटीज गिवन है, इस एक इस पार्टिकल की वेलोसिटी फोर गिवन है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी में निकाल सकता हूं कैसे, v इज इक्वल टू आर इन टू ओमेगा, ये रही, अब एक पार्टिकल की वेलोसिटी चार है, एक की वेलोसिटी दो है, आई ओ आर कहां मिलेगा, नीचे मिलेगा, नीचे क्यों मिला, कैसे पता था नीचे मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको इमेजिन करो सर्कल में घूम रहा है, इसको इमेजिन करो सर्कल में घूम रहा है, तो ओमेगा दोनों का सेम भी तो करना है, तो आप एक काम करें इमेजिन करें, देखो ये इमेजिनरी है, ऐसा नहीं कि सच में घूम रहा है, तो इमेजिन करें कि ये x रेडियस में घूम रहा है और ये 2.2 प्लस x पे घूम रहा है, इसके लिए पार्टिकल के लिए ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x, और इसके लिए क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस ओमेगा की कंडीशन इक्वल कर दो आंसर आ गया।
अब तुम इसके अंदर अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, इसकी वेलोसिटी 10 गिवन है और इसकी वेलोसिटी 4 गिवन है, आई ओवर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ऊपर करेगा, क्योंकि अब इसको बड़े सर्कल में घूमना है और इसको छोटे अब ऊपर की तरफ मिलेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है फिर बोल रहा हूँ, और वो है ओमेगा की वैल्यू सेम करना। अगर दो वेक्टर एक बड़ा और छोटा है, आई ओ आर नीचे मिलेगा, अगर ये बड़ा ये छोटा है, आई ओ आर ऊपर मिलेगा, बस ओमेगा को सेम कर दो, आंसर आ गया। ये आई ओ आर का कॉन्सेप्ट है और इसको यूज़ करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी।